राजधानी दिल्ली में मॉनसून के दस्तक देने के साथ ही दिल्ली की सड़कों व नालों पर जलभराव की ऐसी स्थिति देखने को मिली जिसने फिर से प्रशासन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। नालों की सफाई से संबंधित सभी एजेंसियां दावा कर रही हैं कि उनके नाले साफ हो गए हैं, लेकिन जल भराव की तस्वीर ने सभी की पोल खोल कर रखी है, क्योंकि अगर नाले पहले से ही साफ किए गए होते तो राजधानी इस तरह नहीं डूबती। लाखों लोग परेशान हुए, लोगों के घरों में पानी भर गया तो कहीं सड़कों पर लोग घंटों फंसे रहे। मिंटो रोड के नीचे तो एक व्यक्ति अपनी जान तक गवा बैठा। विशेषज्ञों की माने तो जब तक सीवर लाइन और बरसाती नालों का पानी अलग अलग नहीं बहाया जाएगा, दिल्ली में जलभराव की समस्या दूर नहीं हो सकती है। नालों की सफाई में एजेंसियों द्वारा ठीक से काम नहीं करने की बात हो सकती है, लापरवाही हो सकती है, मगर दिल्ली में जलभराव की समस्या का समाधान सीवर और बरसाती पानी के लिए अलग अलग नालों की व्यवस्था किया जाना जरूरी है। वही बारिश के कारण दिल्ली के डूबने की जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। इस बार कोरोना को लेकर श्रमिकों की परेशानी जरूर है, मगर जिस तरह से नालों की सफाई को लेकर संबंधित एजेंसियां लापरवाह बनी हुई थी, माना जा रहा है कि ठीक से बारिश हो गई तो दिल्ली में इस बार भयंकर जलभराव होगा, क्योंकि देखा जाए तो अभी मानसून का शुरुआती दौर है और तब जलभराव से लेकर मकान तक ढहने की तस्वीरें सामने आई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।